नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। और दोस्तों, इस वक्त बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं, बारिश के साथ जो हवा की रफ्तार है वो भी लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई है। वहीं 24 से 48 घंटों में दोस्तों भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों, पटना में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से उमस होने के बाद दोपहर से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों, 4 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हुए पड़े हैं। असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में दोस्तों भूस्खलन की घटना हुई है। सैकड़ों लोगों के साथ दोस्तों मवेशियों की भी मौत की घटना दोस्तों सामने आई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, बिहार में इस वक्त प्री मानसून की दोस्तों झमाझम बरसात शुरू हो गई है। और आपको बता दें दोस्तों, मौसम विज्ञान ने पहले ही पूर्व अनुमान लगाया था कि पटना, सारण समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी स्तर की वर्षा आगामी 24 घंटे में देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने पटना समेत कुछ जिलों के कुछ भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। बिहार में दोस्तों, इससे पहले जो बारिश हुई थी उससे वज्रपात और आकाशीय बिजली के कारण 17 लोगों की दोस्तों मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वो सतर्क और सावधान रहें। लोग यदि खुले में हैं तो यथाशीघ्र किसी पक्के मकान की शरण लें और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। दोस्तों, आपको बता दें, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, मधेपुरा में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की जो मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसी के साथ में दोस्तों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहां पर भी अभी 2 दिन तक मौसम थोड़ा साफ रहेगा, काले बादल छाए रहेंगे। 2 दिन के बाद दोस्तों फिर से झमाझम बारिश इन राज्यों में देखने को मिलने वाली है। 3 जो पूर्वी राज्य हैं उनमें बाढ़ आ रही है। मौसम से संबंधित चाहे आप किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, हर राज्य की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल